हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम फिटर वर्कशॉप में हैं और फिटर वर्कशॉप में आज हम आप लोगों को बेंच वाइज के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि बेंच वाइज के एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे और इसका यूज क्या होता है, इसकी साइज़ कैसे लेते हैं, ठीक है, सब बताने वाले, इसका मटेरियल क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारी कौन सी वाइस है, बेंच वाइस है। क्यों? क्योंकि हमारी बेंच पे फिट है, इसलिए हमारी कौन सी वाइस है, बेंच वाइस है। इसको हम लोग नट बोल्ट के द्वारा बेंच पे क्या किए रहते हैं, फिक्स किए रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि इसके जो पार्ट हैं उसके बारे में हम बता दें, जो इसके पार्ट, यानी देखिए यह जो हमारा है मूवेबल जा है, आगे लाइए, यह जो हमारा मूवेबल जा है, देखिए यह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी हैंडल के साथ घुमाने पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये हमारा क्या है, मूवेबल जा है, और ये हमारा क्या है, फिक्स जा है, क्योंकि ये क्या है, स्थिर है। यानी मूवेबल जा और फिक्स जा हमारे ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, याद करिएगा, मूवेबल जा और फिक्स जा ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। और अब दिखाते हैं आप लोगों को, ये हमारा हैंडल है, हैंडल है और ये स्पिंडल है, हैंडल और स्पिंडल हमारे माइल्ड स्टील के बने होते हैं, और जो हमारा स्पिंडल होता है उस पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, और जो हमारा ये मूवेबल जा है इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे, ये स्क्वायर थ्रेड कटी है स्पिंडल पे, और इसी के यहाँ पे अंदर बॉक्स नट फिक्स होता है, और बॉक्स नट पर भी स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। इसी प्रकार यह स्पिंडल और बॉक्स नट आपस में क्या करते हैं, अटैच होकर आगे पीछे खुलते हैं, ठीक है। और जो हमारा बॉक्स नट होता है वह गन मेटल का बना होता है, यानी फिक्स जा मूवेबल जा ग्रे कास्ट आयरन के, हैंडल स्पिंडल माइल्ड स्टील के, और जो हमारा बॉक्स नट गन मेटल के, और इस पर हमारी स्क्वायर थ्रेड कटी हुई है, ठीक है। सब हमने पार्ट के बारे में जान लिया, मटेरियल के बारे में जान लिया। और देखिए यह जो हमारा होता है, यह जा प्लेट है, यह जो हमारी फिक्स जा मूवेबल जा पर यह अलग से जा प्लेट लगाई जाती है। क्यों? यह हमारी हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील की होती है, इस पर जो हमारा होता है नर्लिंग की गई होती है, या अच्छी ग्रिपिंग के लिए, अगर हम कोई जाब इसमें पकड़ रहे हैं बांध रहे हैं तो अच्छी प्रकार से ग्रिपिंग हो, इसके लिए क्या लगाते हैं, इस पर नर्लिंग की जाती है। यह हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अगर हम कोई जाप पकड़ रहे हैं तो इसमें जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होगा तो घिसने का डर रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अलग से हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बनाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, यह इसकी साइज़ कैसे लेते हैं। तो इसकी साइज़ जो लेते हैं हम इसकी जाप प्लेट की चौड़ाई से, यह जाप प्लेट है ना, यह जाप प्लेट की जो चौड़ाई है यही इसकी हम साइज लेंगे। यह कितने साइज में मिलता है, यह 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की साइज़ में उपलब्ध होता है। यहाँ पे इसकी साइज़ भी लिखी गई है, देखिए 125 सेंटीमीटर, यानी यह 125 सेंटीमीटर इसकी जाप प्लेट की क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। और जो इस पर स्क्वायर थ्रेड क्यों हुई होती है, क्योंकि यह टार्क को संचालित करता है, यह बल को संचालित करता है, इसलिए इस पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी होती है, बेंच वाइज की ऊंचाई जो होती है मनुष्य की कोहनी तक, यानी मनुष्य अगर इस तरह कोहनी करके खड़ा हो रहा है, यानी मनुष्य की कोहनी तक, या फिर 106 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी मनुष्य की कोहनी तक या 106 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, यानी इससे कितने क्वेश्चन बने, जितने पार्ट्स हैं उसके मटेरियल क्या क्या होते हैं पूछ देगा, इस पर थ्रेड कौन सी है स्क्वायर थ्रेड, इसकी जो हम लोग साइज लेते हैं जाप प्लेट की चौड़ाई से लेते हैं, या जो हमारा जाप प्लेट होता है हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का, और इसको बेंच पे हम लोग फिक्स किए रहते हैं, यानी बेंच वाइज के बारे में हमने A to Z यानी सब कुछ जान लिया। आज के बाद अगर आप लोगों को कोई कहीं भी बेंच वाइज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार हमने और भी वीडियो फिटर साहब का से रिलेटेड सब वीडियोज, लेथ मशीन के, ड्रिल मशीन के, और भी कैसे प्रैक्टिकल करते हैं सब वीडियोज हमने अपलोड कर रखा है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।